हेलो दोस्तों, मैं आपको हायर एसी के रिमोट की डेमो दूंगा। ये इन्वर्टर एसी का रिमोट है। ये गोल वाला बटन ये ऑन ऑफ का है। इससे आप एसी को और रिमोट दोनों को ऑन ऑफ कर सकते हो। इसकी डिस्प्ले ऑफ भी होती है। ये टर्बो मोड है। टर्बो मोड में आपका एसी 110% काम करता है, मतलब अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ये डेटन का एसी है तो ये 1.6 हो जाता है। इसको आप दोबारा प्रेस करोगे तो क्वाइट आता है। क्वाइट में आपका एसी कूलिंग करेगा और जो आवाज़ आती है एयर फ्लो की वो कम आएगी, साइलेंट की तरह काम करेगा। तीसरी बार दबाओगे तो ये नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद आपका कूल मोड है। कूल मोड में आपका एसी कूलिंग करता है, वो आपके हिसाब से करता है। आप इसमें टेम्परेचर अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। आपने 24 रखना है या 25 रखना है, 26 रखना है, वो आपने अपने हिसाब से अप डाउन करना है। इसे आप अप डाउन कर सकते हो। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 तक जा सकता है और कम से कम 16 तक आ सकता है। ये CL का जो आप डिस्प्ले पे देख रहे हो, CL ये सेल्फ क्लीन का लोगो होता है। सेल्फ क्लीन में जो इंडोर के फिंस होती हैं उस पे आइस आ जाती है। ये 20 मिनट का प्रोसेस होता है। 20 मिनट के बाद आइस चली जाती है और जितना भी कचरा वगैरह होता है वो ड्रेन के राही बाहर चला जाता है। ये आपने महीने में एक बार करना होता है। ये है इको मोड। इको मोड में L1 होता है, L2 होता है, L3 होता है। L1 पे आपने आपके जो एसी होते हैं वो सबसे छोटे हो जाते हैं, मतलब टर्बो में होता है तो 110, कूल पे होता है 100%, L1 पे होता है आपका 75%, L2 में होता है 55%, L3 में 40% होता है। मान लीजिए आपके एसी डेढ़ टन है तो L1 में आपका 1.25 टन हो जाता है, L2 में हो जाता है आपका 1 टन, L3 में होता है आपका 0.25 टन। ये जो बटन है ये अंदर वाली स्प्रिंग का होता है, पर वो काम नहीं करती। ये BP देगा क्योंकि इन मॉडलों में काम नहीं करती, कुछ मॉडलों में। ये बीच वाला है जो ये फैन के फ्लो को कम ज़्यादा करता है, जो आपको इंडोर से हवा आती है उसके फ्लो को कम करता है। जैसे ये दबाते हो आप, हाई हो गया, ये अब ऑटोमेटिक हो गया, ये अपने हिसाब से ही हवा को देगा। अभी लो है, अभी मीडियम है, अभी हाई। ये राइट वाला जो अभी दबा रहा हूँ, ये वाला फ्लैप का होता है, फ्लैप ऊपर नीचे आने के लिए। इसके 4 स्टॉप होते हैं। पहले 4 स्टॉप पे आप जहाँ इसको रोकना चाहे रुक जाता है। उसके बाद 5वीं बार ये अपने ऑटोमेटिक हिसाब से ही चलता है। ये अप डाउन के लिए है। ये हेल्थ वाला ऑप्शन है। ये कोई मॉडल में ही काम करता है। बीप देगा पर काम कम ही करते हैं इन मॉडलों में। इसमें ऐसा होता है कि फैन का फ्लो जहाँ तो नीचे होता है जहाँ ऊपर होता है, सीधा बॉडी पे नहीं होता। ये स्लीप मोड है। स्लीप मोड में आपका एसी 8 घंटे तक काम करेगा, उसके बाद बंद हो जाता है। इसमें ऐसा होता है पहले 2 घंटे में आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे 24 है तो 25, 26, उसके बाद 6 घंटे लगातार चलता है। ये है एक्स्ट्रा फंक्शन। एक्स्ट्रा फंक्शन में आपका जो एसी का फैन ही चलेगा, इसमें कूलिंग नहीं करता
और इसमें ड्राई मोड भी होता है एक्स्ट्रा फंक्शन में, इसके लिए आपको कन्फर्म कैंसिल करना पड़ता है। आप इसमें लोगो देख सकते हो, इसके नीचे वाला है टाइम ऑन। टाइम ऑन में ऐसा होता है कि आपका एसी आप जब चाहो चला सकते हो, जैसे 5:30 घंटे के बाद आपने चलाना है तो उसके लिए 5:30 सेलेक्ट करके उसके बाद एसी को कंफर्म कर देना, जो इससे आपका टाइमर लग जाएगा और 5:30 घंटे के बाद आपका एसी ऑन हो जाएगा। इसके लिए आपको कंफर्म करना पड़ेगा और जैसे ही आप करोगे आपका एसी बंद हो जाएगा और 5:30 घंटे के बाद ही चलेगा, वो आपने देखना है कितने घंटे के बाद चलाना है। टाइम ऑफ का भी ऐसा ही है, 3:30 घंटे कर लो, वो अपने हिसाब से कर लो, आप 24 घंटे तक कर सकते हो इसको। उसके लिए भी आपको कन्फर्म कैंसिल ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप चलाना चाहते हो कन्फर्म। ये नीचे वाला लॉक का बटन है, ये इसके 2 बटन मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी होती है इसकी, ये पिन से दबाने पड़ते हैं, इससे आपका रिमोट लॉक हो जाता है। जैसे बच्चे ऑन ऑफ करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनके लिए होता है। ये लाइट वाला है, लाइट वाले में आपके जो डिस्प्ले पे लाइट आती है, जैसे 24 लिखा है 25 लिखा है, उसको बंद करने के लिए होता है। कई बार रात में आपको ये लाइट डिस्टर्ब करती है तो उसको ऑफ करने के लिए होता है। ये रीसेट वाला आप का रिमोट में कई बार ऐसा होता है कि दबाते कुछ और है, चलता कुछ और है उसके लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।